Hello, good morning students, everybody. Today I will start chapter Constitutional Design. इसके एक क्लास मैंने प्रीवियस क्लास आपको बता दिया था, जिसमें हम लोग अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था. आज हम लोग उसी को थोड़ा सा लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है कि व्हाई डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन. पिछले क्लास में हमने देखा कि जब तक अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो वहाँ लोगों को राइट नहीं थी. व्हाइट और ब्लैक पीपल जो थे उन लोगों के बीच बहुत सारा विवाद चल रहा था. वो लोग मतलब अराजकता की स्थिति वहाँ पे आ चुकी थी. इसके कारण जो है वहाँ के जो प्रमुख लीडर बने नेशनल मंडेला, उन्होंने इस चीज को वहाँ पे मतलब आगे बढ़ करके और इंडिया को एक फ्री कंट्री के रूप में लोगों को अधिकार दिलाया और स्थापित किया. अब हमारा टॉपिक है कि व्हाई डू नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, संविधान नहीं होगा, तो देश में रूल्स नहीं होगी, व्यवस्थाएं नहीं होंगी, बड़े अमीर गरीब के बीच जो विभाजन की रेखाएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो इन सारी विवादों का निपटारा करता है, वो सारे लोगों की समझ और आवश्यकताओं के अनुसार रूल बनाता है. इसमें हम लोग देखेंगे जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. इसका पहला रूल होता है कि लोगों में विश्वास दिलाता है, लोगों में भरोसा दिलाता है. क्योंकि हमारा इंडिया जैसे है यह एक डायवर्सिटी कंट्री है, यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न रिलीजन, विभिन्न तरह के समुदाय के लोग रहते हैं और उनको वो आपस में एक सूत्र में बांधता है. ये काम जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है. ये भी बताता है कि हमें किस तरह गवर्नमेंट का निर्माण करना है. जैसे हम सभी जानते हैं कि मेरा इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है और यहाँ तो पावर जो है वो जनता के पास है, क्योंकि जनता जो है वो वोट करती है और वोट जो होता है वो उसके आधार पर जो है हमारे गवर्नमेंट का निर्माण होता है. वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप में रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ चूज करके भेजती है. इट बेस्ड ऑन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. और सबसे महत्वपूर्ण ये जो है आपको गवर्नमेंट पर नियंत्रण रखती है, उसके पावर पर उसको कंट्रोल रखती है, ताकि गवर्नमेंट का वो तानाशाह नहीं बन सके. इट एक्सप्रेस एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएटिंग गुड सोसाइटी. ये इसमें ये होता है कि हमको किस तरह लोगों के एस्पिरेशन होते हैं कि हमको किस तरह के सोसाइटी का, किस तरह के कंट्री का निर्माण करना चाहिए और उस तरह के जो हमारे सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. इसलिए बिना कोई बिना कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वहाँ अराजकता की स्थिति आ जाएगी, जनता को सारे अधिकार नहीं मिल पाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन हमको सिक्योरिटी प्रदान करता है, हमको फंडामेंटल राइट के अधिकार को सुरक्षा करता है. इसलिए जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, और हर डेमोक्रेसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी होता है और होता है. एक ब्रिटेन है जिसका संविधान है लेकिन वो अनरिटेन है, लेकिन आपके इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ. जब हम ब्रिटिश के अंतर्गत थे तो उस समय पहले ही हमारे यहाँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी. 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर जो मेंबर्स थे उन लोगों ने इसका ड्राफ्टिंग किया था. बहुत बड़ा नहीं लेकिन वहां तक बहुत रूल्स को लोग लिख करके ड्राफ्ट बनाए थे. और 1931 में उसी कराची सेशन में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको लाया गया और ये रखा गया कि कैसे इंडिया को हम लोग इंडिपेंडेंट करें, कैसे उसको आजाद करें, किस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसकी रूपरेखा उसमें तैयार की गई. कमिटी टू इंक्लूशन एडॉप्ट फ्रेंचाइज राइट टू फ्रीडम इक्वालिटी एंड प्रोटेक्ट राइट टू माइनॉरिटी. उस समय विश्व में बहुत सारी घटनाएं चल रही थी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, अमेरिका जो था उसकी फ्रीडम हुआ था, बहुत सारे देश धीरे धीरे फ्री हो रहे थे और उन सब का प्रभाव जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था. वो लोग वहाँ की हर बातों को, अच्छी बातों को लेकर के अपने ऊपर
सारी चीजों को इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बॉन्डेड जबरदस्त रूप से लागू करना चाहते थे, वे टर्म और कंडीशन को देखते हुए उन चीजों को इंडिया में भी इंप्लीमेंट करना चाहते थे, लागू करना चाहते थे। जैसे आप देखेंगे कि एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में ब्रिटिश जब भी हमारे यहाँ तो हम लोगों को अधिकार नहीं था, तो वही जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज लाया गया, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार इक्वालिटी लाई गई। उसके बाद से ये रखा गया कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग होते हैं, तो माइनॉरिटीज को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, कैसे उनको लाया जाए, इस तरह की बातें जो है उसमें रखी गई 1921 में। ये सारी बातें जो है उस समय रखी गई। और उसके बाद हमारे यहाँ जो है इस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा लोगों का, जो है जैसे हम देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट लाया गया। उसके बाद से आपको यूएसए से यूएस जो है उसे लाया गया, आपको आपको सोवियत समाजवाद सोशलिज्म की व्यवस्था लाई गई। हमारे यहाँ पार्लियामेंट की व्यवस्था जो है वो आपको ब्रिटेन से लाई गई। तो इस तरह जितने भी वर्ल्ड के संविधानों में से जो भी अच्छाई थी उन सबों को मिलाकर भारत का एक लार्जेस्ट संविधान बनाया गया। और वो संविधान जो बना वो बहुत लंबा संविधान बना, क्योंकि इसमें संविधान बनाने के लिए जो है क्योंकि इंडिया उस समय में कुछ जो थे वो प्रिंसेस स्टेट थे, कुछ ब्रिटिश के गवर्नमेंट के अधिकार में स्टेट थे, तो जब वो लोग जाने लगे तो जो ब्रिटिश प्रोविजंस थे उसको तो वो लोग फ्री करके चले गए, लेकिन जो प्रिंसेस स्टेट थे उन लोगों पर ये छोड़ दिए कि आपको इच्छा हो तो आप मिले और ना इच्छा हो तो आप स्वतंत्र मिले या बाहर चले जाए पाकिस्तान के साथ चले जाए। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास बहुत बड़ी समस्या थी भारतीय संविधान को लेकर। लेकिन आफ्टर पार्टीशन जब भारत विभाजन के बाद बहुत भारत को तो स्वतंत्रता मिली, लेकिन बहुत बड़ी लंबी लड़ाई के बाद और बहुत बड़े मतलब लोगों की आहुति देने के बाद 1946 में जो नवाखी कांड हुआ था जिसमें पाकिस्तान विभाजन में बहुत सारे लगभग 10 लाख लोग मारे, तो इस तरह बहुत बड़े पार्टीशन के बाद इंडिया एक फ्री कंट्री के रूप में तो आया। अब उसके बाद भी इसके सामने समस्या थी कि कैसे इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए उस समय पूरे देश में एक इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित किया गया और सारे मेंबर उस इलेक्शन से चूज करके आए थे। टोटल मेंबर थे 299। ये मेंबर्स जो हर क्षेत्र से इसलिए चुना गया कि वो मेंबर जो होंगे वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लाएंगे, समझाएंगे, तब जो है हमारा संविधान निर्माण किया जाएगा। और उसमें 299 मेंबर्स इसमें रखे गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हैं वो प्रेसिडेंट बने। और हम सभी जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने और ड्राफ्टिंग उन्हीं के देख रेख में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने अब हमें बात आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि हमारे महात्मा गांधी जो सबसे पहले उन्होंने देश की आजादी में इतना ज्यादा सहयोग दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपना बनाने में जो गठन उनमें उनकी सहभागिता नहीं रही। उन्होंने किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो इसके बारे में एक उन्होंने अपनी मैगजीन जो था उसमें लिखा था यंग इंडिया मैगजीन। एक नंबर के क्वेश्चन ये पूछ लिया सकता है, तो यंग इंडिया मैगजीन में उन्होंने ये लिखा था कि भारत में किस तरह के संविधान का निर्माण होना चाहिए और उसकी पूरी एक खास बात उन्होंने तैयार की थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो लगभग 12 बॉडी में तैयार हुआ, बड़े बड़े बॉडी में वॉल्यूम में, और उसको पढ़ने में 114 डेज लगे। 299 मेंबर्स के द्वारा 114 डेज में इसको एकदम सतर्कतापूर्वक पढ़ा गया ताकि कोई भी चीज कोई भी छूटे नहीं, भारत के हर वर्ग हर लोगों को इसमें रखा जा सके। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ वो लगभग मोर देन 2000 अमेंडमेंट के बाद इसमें 2000 जो है संशोधन किए गए। और अमेंडमेंट क्या होता है, परिस्थितियों के अनुसार हम अपने उस सुपरवेसी जो पार्लियामेंट्री बॉडी है उसके अनुसार जो कानून में परिवर्तन किया जाता है वो हमारा कहलाता है अमेंडमेंट। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है
उसी के रूप में हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं और क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस तरह भारत का संविधान वर्ल्ड का लार्जेस्ट संविधान बना और बहुत सारी परेशानियों के बाद भी हमारा संविधान बना और हमारे